7 लाख ओके, यहाँ पे हमने पैसा डाला, ठीक है, ये पैसा डाला, 37 लाख पे रिटर्न आ रहा है, 3,07,840, 37 लाख रुपए यदि हम लगा सकते हैं, हाँ जी, 24,636 महीने का यदि आएगा तो 24,636 आएगा, आपकी बात ठीक है, ठीक है, ओके सर। नहीं आप ये देखो, 37 लाख रुपए हमने लगाए, 37 लाख रुपए के ऊपर रिटर्न अपन को आ रही है, आप जब भी किसी को एक्सप्लेन करना शुरू करो तो ज्यादा वाले रिटर्न बताओ, ज्यादा वाले रिटर्न का मतलब है आप शुरुआत 24,636 रुपए मंथली से मत करो, आप शुरुआत 3,07,840 रुपए ईयरली से करो, भाई हर कोई ज्यादा पैसा लेना चाहता है या कम पैसा लेना चाहता है, ज्यादा लेना चाहता है, ज्यादा तो उसको ज्यादा दो ना, 37 लाख रुपए यदि किसी को लगाने हैं तो उसको मंथली 24,000 मत समझाओ, उसको ईयरली 3 लाख समझाओ, हाँ ठीक है वो 24,000 मंथली भी हम समझा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप 3 लाख ईयरली से करो, उसके बाद उनको बोलो 1.5 लाख रुपए हाफ ईयरली मिलेगा, उनको बोलो क्वार्टरली लेंगे तो 74,000 मिलेगा, मंथली लेंगे तो 24,000 मिलेगा, इसको बोलते हैं इमीडिएट एनुइटी, बताओ आप बोलो, ये वाला है इमीडिएट एनुइटी, यानी कि आज आपने लिया तुरंत आपको पेंशन मिलना शुरू हो गया, ये वाला इमीडिएट एनुइटी प्लान है, ठीक है जी सर, इसको भी भेजना और दूसरे बनाते हैं वो भी भेजना, हाँ भेजो, इसकी तो प्लान प्रेजेंटेशन सेंड करना है, क्या प्लान, क्या समझ नहीं आया मुझे आपकी बात, क्या प्लान, क्या सेंड कर देना, सेंड कर देना ऐसे मुझे, अच्छा सेंड कर देना, सेंड कर देते हैं, ये लो सेंड कर दिया आपको, आप अपना खोल के देखो, ये लो अभी सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेजूं या टेलीग्राम पर भेजूं, किसी पर भेज, ठीक है अच्छी बात है, ठीक है बढ़िया, फिलहाल हमने इसको व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है, तो ये व्हाट्सएप अपना आ चुका है, ये लीजिए व्हाट्सएप पर मैंने आपको भेज दिया है, आप अपना व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, ये आपका आ गया है, ऑलरेडी मैंने आपको भेज दिया है, और इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पर इसका PDF अवेलेबल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एन्युइटी फॉर लाइफ टाइम लिखा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, एन्युइटी फॉर लाइफ टाइम का मीनिंग पता है आपको, एन्युइटी फॉर लाइफ टाइम क्या होता है वो आपको मीनिंग पता है उसका, हाँ जी, ये कितने साल के लिए किया, लाइफ टाइम, जीवन अक्षय हमेशा जिंदगी भर के लिए होता है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ इयर्स के लिए नहीं होता है, ये जिंदगी भर के लिए होता है, जो जीवन प्लान हम लेते हैं वो जिंदगी भर के लिए, जी बीच में निकलता है तो चार्ज लगेगा, हाँ बीच में चार्ज लगेगा, ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस PDF को देखेंगे तो आपका लीडर जो है उसके अंदर ये वाला PDF बना हुआ है, 37 लाख रुपए आपने एक बार लगाए, पेंशन 3,07,840 रुपए मिलेगा, एंड इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर ये वाला लिखा है कैश वैल्यू, यहाँ पे 0 लिखा है, लोन यहाँ पर 0 लिखा है, इसका मतलब बीच में निकलने का फैसिलिटी नहीं है, ये वाला लीडर के अंदर अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो अभी सर्कुलर आया है उसके अंदर लिखा है कि जीवन अक्षय को आप एनकैश करा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एनकैश कराने के चार्जेस लगते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे तब एनकैश होगा, जीवन शांति वाले रेट लगेंगे, 37 लाख रुपए आपने लगाए, बीच में जरूरत पड़ जाए तो निकाल भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर में बना के देखेंगे जीवन शांति का इलस्ट्रेशन, जीवन शांति का जो इलस्ट्रेशन जो हम बनाएंगे वहां पर ये कैश वैल्यू लिखा हुआ आएगा, जीवन अक्षय के अंदर पहले नहीं हुआ करता था बीच में एनकैशमेंट, लेकिन अभी एनकैशमेंट इसके अंदर नया सर्कुलर आ चुका है, इसके अंदर एनकैशमेंट अभी कैश वैल्यू इसके अंदर अवेलेबल हो चुका है, 3,07,840 रुपए आपको मिलेगा, 37,66,600 रुपए अभी आपको LIC को ट्रांसफर करना है या तो चेक लगाना है, ये जो 3,07,840 है कब तक मिलेगा आप बताओ, कब तक मिलेगा बताओ, कब तक मिलेगा,
जो साल का जो पेंशन आएगा 3,07,840 रुपए, 37 लाख रुपए आपने लगाए, 3 लाख रुपए हर साल आएगा, ये 3 लाख रुपए कब तक मिलेगा, कब तक आपको पेंशन आएगा? सर ये तो 62 से 100 ईयर्स तक है। हाँ तो ये बोलो ना, यदि आप मुझे भी जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप कस्टमर के सामने जवाब कैसे दोगे? मैं इसीलिए बीच बीच में सवाल पूछता हूँ, और मैं वो वाले सवाल पूछता हूँ जो कि कस्टमर आपको पूछने ही वाला है पक्का, यदि आप मुझे तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे हो। हाँ अरे सर लाइफ टाइम है ना, क्या लाइफ टाइम है ये तो ये बोलना पड़ेगा ना, इसीलिए तो मैं बीच बीच में आपको सवाल पूछ रहा हूँ। बोल रहा हूँ मैं तो, बीच में इतना टाइम सोचने में क्यों लगाते हो? यदि आप इतना टाइम सोचने में लगा रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है, आपको इस प्लान का प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। हर किसी को ये वाला प्लान प्रेजेंट कर करके इतनी बार दिखा दो कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, रात को नींद भी सपने भी कोई पूछ ले तो आप एकदम से खटाखट बता डालो, इस तरीके से प्रैक्टिस करके रखो। अच्छा मुझे बताओ, 100 साल तक आपको हर साल 3 लाख मिला, उसके बाद क्या होगा? हर साल आपको 3 लाख मिला, उसके बाद क्या होगा ये बताओ? उसके बाद पैसा वापस हो जाएगा। कहाँ लिखा है ये, कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको कि पैसा वापस होएगा? कितना लगाए, कहाँ लिखा है? नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो वापस कहां से होगा? इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर पैसा वापस नहीं होता है, इसको ऑप्शन ए बोलते हैं, इस ऑप्शन ए के अंदर पैसा वापस नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन ए दिखाया है कि ऑप्शन ए आप देख लो, देख के समझ लो, और ये भी समझ लो कि ऑप्शन ए के अंदर जितने भी रिटर्न्स वाले लोग बोलते हैं ना मेरे को हाई रिटर्न चाहिए हाई रिटर्न चाहिए, उनको ऑप्शन ए दिखा दो तो उनको कम से कम हाई रिटर्न नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर ये भी नजर आएगा, ये बात उनको क्लियरली बता देना कि जी इसके अंदर पैसा वापस नहीं होता है, इसके अंदर पैसा 3,07,840 आपको हर साल मिलेगा, हाई रिटर्न आ रही है लेकिन पैसा वापस नहीं हो रहा है, राइट? एक ऑप्शन हो गई ये वाली, अभी आपको पैसा वापस चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर, आपको पैसा वापस चाहिए, तो पैसा आपको दिलवा दें वापस जी, आपको पैसा दिलवा दें, तो अभी हम आपको पैसा वापस दिलवाते हैं, ये वाला जो पैसा है आपको वापस भी होगा, लेकिन जिस तरीके से आप इसको अभी तक समझ के आए हैं उस तरीके से नहीं होगा, तो फिर किस तरीके से होगा? इसके अंदर हमें ऑप्शन ए की जगह, जो ऑप्शन ए जो लाइफ टाइम वाली ऑप्शन है उसकी जगह हमें ऑप्शन कुछ और चूज करनी पड़ेगी, तब ये पैसा वापस होगा, ठीक है? तो हम इसके अंदर कुछ और ऑप्शन चूज करने की कोशिश करते हैं, हम इसे बंद करते हैं, हम दोबारा से लीडर में आते हैं, दोबारा से हम लीडर में आए, यहाँ पर हमने एनुटी फॉर लाइफ टाइम को बदलकर यहाँ पर हमने इसके अंदर ऑप्शन चेंज कर डाला। अब देखिए इसके अंदर ढेर सारी ऑप्शन है, हमने ऑप्शन यहाँ पर ले लिया है एफ, यहाँ पर हमने ऑप्शन एफ लिया है, ऑप्शन एफ के अंदर क्या है, सेम 37 लाख रुपए है, सेम 62 की एज है, सबमिट हमने किया, सबमिट करने के बाद रिटर्न में देखिए फर्क आ गया, 37 लाख रुपए लगा के ईयरली 2 लाख आ रहा है, हाफ ईयरली 98,000 आ रहा है, क्वार्टरली 48,000 आ रहा है, मंथली 16,000 आ रहा है, ठीक है? क्या समझ आया? इसको देख के कुछ समझ आया कि नहीं आया? क्या बोल सकते हैं बीच में, नो प्रॉब्लम, सभी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी साथी बीच में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बताइए जी क्या समझ आया? सर ईयरली पेंशन 2,01,280 है, हाफ ईयरली 98,420 है, जो पिछली वाली ऑप्शन था उसके अंदर से लेकर अभी तक थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया जी। ये वाला भी मैंने आपको यहाँ पर भेज दिया, आप इलस्ट्रेशन इसको भी देख सकते हैं, और एक आपको मैंने पहली लाइफ टाइम वाली बताई, दूसरी मैंने आपको ये वाली बताई, और ये वाली बताने के बाद इसके अंदर आप यहाँ से पीडीएफ ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही आपने पीडीएफ ऑप्शन चूज किया, पीडीएफ का इलस्ट्रेशन आपका यहाँ पर बनकर आ गया, और पीडीएफ का इलस्ट्रेशन जब आपका बनकर आया तो आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे, आप इसके अंदर बहुत बड़ा फर्क क्या देखेंगे कि जो पैसा हर साल आपको मिल रहा था पेंशन का वो जिंदगी भर मिलेगा, वो जिंदगी भर मिलने के बाद
आखिरी में जाके 100 साल की उम्र में आपको टोटल जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी मिलेगा। ये देखिए आगे इसमें यहाँ पर आप चलेंगे, जैसे आप लीडर के अंदर करते हैं, यहाँ पर जो पैसा आप लगाया था हर साल आपको 2,01,280 मिल रहा है। एक सबसे बड़ा फर्क आप देखिए, अब फर्क देखिए आप, यहाँ पे कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो क्या नजर आ रहा है वो जरा बता दीजिए। कुछ फर्क है यहाँ पर पिछली इलस्ट्रेशन में और इस वाली इलस्ट्रेशन में, कुछ ना कुछ फर्क है, क्या फर्क बताइए, कोई भी साथी बताइए। लोन भी है, क्या लोन भी है, एक्सीडेंटल भी है, एक्सीडेंटल में तो सेम है, नेचुरल डेथ में 37 लाख मिल रहा है, एक्सीडेंटल डेथ में 37 लाख मिल रहा है, कैश वैल्यू आ गई है, आपने तुरंत किया, तुरंत 26 लाख रुपए का कैश वैल्यू आ गया है, लोन आ गया है 10 लाख का। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा जी? अब बताइए यहाँ क्या फर्क नजर आ रहा है? ये भी सर लाइफ टाइम सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है कि डेथ होने पे नॉमिनी को, जो भी नॉमिनी आप बनाएंगे, 37 लाख रुपया नॉमिनी को मिलेगा, जो पैसा आपने लगाया था उसके अंदर से 37 लाख रुपए वो नॉमिनी को मिलेगा। लोन भी ले सकते हैं, बीच में सरेंडर भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। पेंशन की गारंटी है आपको 100 साल की उम्र तक 2,01,280 रुपए का पेंशन। हाँ जी सर, हमने एक साल में हमने सरेंडर किया तो सरेंडर चार्ज इस पे कितना लगेगा? सरेंडर चार्जेस लगेंगे, आप सरेंडर के हिसाब से किसी को भी मत बताइए कि सरेंडर करना है, कहना जी सरेंडर के हिसाब से करना है तो आप ये वाला प्लान मत लो, आप दूसरा वाला प्लान ले लो। ये वाला प्लान यदि लेंगे उसके अंदर सरेंडर चार्जेस हैं, तो सरेंडर चार्जेस किसी भी कस्टमर को बोलिए कि सर सरेंडर चार्जेस ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सर सरेंडर चार्जेस लगेंगे तो सर इस वजह से आप ये वाला मत लीजिए, ठीक है? सरेंडर चार्जेस के हिसाब से मत बताओ किसी को भी, कहना सर वो सरेंडर के चार्जेस लगते हैं तो सर चार्ज के हिसाब से आप ये वाला प्लान मत दो, आप दूसरा वाला प्लान लो जिसमें सरेंडर चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे कि दूसरा प्लान है निवेश प्लस, मैंने कल आपको निवेश प्लस बताया था, कल आप यहाँ पर इस प्रोग्राम में थे या नहीं थे? अगर आप इस प्रोग्राम में थे या नहीं, आप यहाँ पर थे तो कल मैंने यहाँ पर निवेश प्लस बताया था, याद है आपको? जी। आपको याद है कल मैंने आपको निवेश प्लस बताया था, निवेश प्लस का पूरा इलस्ट्रेशन, पूरा पीडीएफ, वो सब चीजें मैंने कल आपको बताई थी, याद है? जी सर याद है, याद है, बढ़िया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एफ के बाद में ऑप्शन जे अवेलेबल है, इसमें क्या लिखा है, एन्युटी फॉर लाइफ, जिंदगी भर आपको पेंशन मिलेगा विद ए प्रोविजन फॉर 100% ऑफ एन्युटी पेबल टू स्पाउस, वाइफ को भी 100% पेंशन मिलेगा, खुद को भी मिलेगा 100% पेंशन पूरा का पूरा, वाइफ को भी 100% पेंशन मिलेगा डेथ होने के बाद, विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, दोनों में से हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी डेथ हो गया तो जो भी नॉमिनी होगा उसको पूरा 37 लाख मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसके अंदर जॉइंट लाइफ एज 0 से लेकर 85 तक लिखा है, इसका मतलब आप इसमें जॉइंट लाइफ में हस्बैंड और वाइफ को लेने की बजाय आप मदर को ले सकते हैं, फादर को ले सकते हैं, भाई को ले सकते हैं, बहन को ले सकते हैं, बेटे को ले सकते हैं, बिटिया को ले सकते हैं, ये सारा ऑप्शन इसमें दे रखा है। इसमें 3 लोगों को पैसा मिलता है, सबसे पहले तो आपको पेंशन आएगा, उसके बाद आपने जिस भी साथ में जो भी ज्वाइंट एप्लीकेंट लिखा है जिसको भी पेंशन आप चाहते हैं कि साथ में इसको भी पेंशन मिलना चाहिए, तो ज्वाइंट एप्लीकेंट को भी जिंदगी भर पेंशन आएगा, सबसे पहले आपको जिंदगी भर पेंशन आएगा, ज्वाइंट एप्लीकेंट को जिंदगी भर पेंशन आएगा, उसके बाद इन दोनों के जाने के बाद जो भी बचेगा, जो भी नॉमिनी आप बना के जाओगे उसको पूरा का पूरा 37 लाख मिल जाएगा। आप ज्वाइंटली वाइफ के नाम से लेना चाहते हो या तो किसी और को रखना चाहते हो? नहीं, वो अपने बच्चों को रखेंगे। बच्चे का एज बोलो, कितना एज है? बच्चे की एज होगी करीब 24-25 साल का होगा बच्चा। ये 24 साल का बच्चा मैंने डाल दिया, 24 साल का यहाँ पर बच्चा डालने के बाद इसको मैंने सबमिट किया, सबमिट करके यहाँ पे लिखा है कि 37 लाख रुपए जो आपने लगाए थे 62 की एज में लगाए थे, साल की पेंशन आपको आएगी 1,96,100 रुपए, हाफ ईयरली लेंगे तो 96,000 है, क्वार्टरली 47,000 है, मंथली लेंगे तो 15,000 है, राइट? तीन ऑप्शंस मैंने पेंशन की आपको बताई, तीनों ऑप्शंस में आपको क्या क्या फर्क नजर आया? जो पेंशन की मैंने तीनों ऑप्शन आपको बताई, तीनों में आपको फर्क क्या क्या नजर आया? तो इसमें फिर निवेश प्लस का ही अच्छा है वैसे।
निवेश प्लस का बढ़िया ऑप्शन है, आप निवेश प्लस कर लीजिए। तो हमने निवेश प्लस बताया था, आप यहाँ पर थे कि नहीं थे? जी था, थी ना। तो निवेश प्लस आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। जब भी जीवन अक्षय किसी को बताओ, सबसे पहले ऑप्शन ए बताओ। ऑप्शन ए बताने के बाद एफ बताओ। एफ के अंदर पेंशन में थोड़ा फर्क आएगा, बेनिफिट्स में थोड़ा फर्क आएगा, उसके बाद जे ऑप्शन बताओ। स्टार्टिंग में डायरेक्टली किसी को एफ और जे ऑप्शन बताना शुरू मत करो, क्योंकि जैसे ही आप एफ और जे बताना शुरू करोगे आपको सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आएगा रिटर्न कम है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि रिटर्न कम है का झंझट, ये सब मोल लेने की बजाय डायरेक्टली आप क्या करो, सबसे पहले ए बताओ। तो कोई भी आपको उसके अंदर ये नहीं बोलेगा रिटर्न कम है। एक बात क्या बोलना है, ये वापस लेना है ना, ये ऐसा थोड़ी ना कि एलआईसी के पास छोड़ देना है, ये वापस भी लेना है। तो वापस लेने के लिए हमें ऑप्शन एफ लेना पड़ेगा। ऑप्शन एफ के अंदर पैसा वापस मिलता है। अच्छा, ऑप्शन एफ समझाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनको बोलना है, कहना सर आप सिर्फ जॉइंटली हस्बैंड वाइफ क्यों पेंशन लेते हो, साथ में बाकी का 37 लाख आप किसी और को दिला दो ना, आप सिर्फ दो लोग क्यों लेते हो, तीन लोग साथ में इन्वॉल्व हो जाओ ना, बच्चों को भी पैसा दे डालो। तो ऐसा करके यहाँ पर इसके अंदर लिखा है कि एंड में जाके जब भी डेथ होती है, 100 में होती है, 90 में होती है, 80 में होती है, 85 में होती है, 70 में होती है, 60 में होती है, जब भी डेथ होती है तो पूरा का पूरा 37 लाख मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर इसके अंदर 37 लाख के ऊपर लिखा है नेचुरल रिकवर 37 लाख। नेचुरल रिकवर 37 लाख का मतलब ये पैसा मिलेगा डेथ होने पर, जो भी नॉमिनी का नाम आपने लिखवा रखा है उस नॉमिनी को ये पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, 37 लाख रुपए पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इन तीनों ऑप्शन के अंदर आपको क्या फर्क नजर आया? मैंने तीन पेंशन ऑप्शन आपको बताई, तीनों में आपको क्या फर्क नजर आया? तीनों सर ये निवेश प्लस का ठीक लगा है। वैसे निवेश प्लस का ठीक लगा है, निवेश प्लस करो भैया। इसी के अंदर आपके पास पेंशन के और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यदि यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर जीवन शांति प्लान दे रखा है, इसके अंदर प्रधानमंत्री योजना दे रखा है। आप जीवन शांति के अंदर यदि हाई रिटर्न दिखाना चाहते हैं, अभी जीवन शांति की आप बात कर रहे थे, मान लीजिए 62 एज में हमने जीवन शांति खोला और 37 लाख सेम प्रीमियम यहाँ पर डाल दिया, 37 लाख रुपए जैसे ही हमने डाला डेफर्ड एनुइटी फॉर सिंगल लाइफ, कम से कम एक साल बाद, ज्यादा से ज्यादा 18 साल बाद, अभी 62 की एज है तो 3 साल डाल लेते हैं, 65 से हम पेंशन देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर पेंशन का रिटर्न आ रहा है 2,49,945। हम देखते हैं कि इसको हम एक साल का इसका डेफरमेंट पीरियड करके कितना रिटर्न आता है। एक साल किया तो रिटर्न आता है 2,05,000। हमने इसका डेफरमेंट टर्म को चेंज किया, 2 साल किया तो रिटर्न यहाँ पर आता है 2,21,000। इसी को हमने डेफरमेंट टर्म को फिर से चेंज किया, 3 साल किया, 3 साल करते ही यहाँ पर रिटर्न आप देख रहे हैं 2,39,000 हो गया। जैसे जैसे आप इसका डेफरमेंट टर्म बढ़ाते जाएंगे आपका रिटर्न बढ़ता चला जाएगा, 2,59,000, 4 साल के अंदर 2,59,000 हो गया। आज पेंशन लेने की बजाय यदि आप 5 साल बाद लेंगे तो आपका रिटर्न इसके अंदर जो पेंशन का जो इनकम जो आपको आ रहा है 2,72,000 का आ रहा है। आप देख रहे हैं इसमें लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इसके अंदर रिटर्न्स आपको कितनी लेनी है, 2,92,000 भी आ रहा है। 6 साल का यदि आप इसमें डेफरमेंट टर्म लेते हैं तो 2,92,000 भी आता है। सो रिटर्न्स इसके अंदर कितनी आनी है उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय पर पैसे को रखना पड़ेगा। आपको जीवन शांति सूट करता है क्या? क्या आपको जीवन शांति सूट करता है? सूट करता है तो जीवन शांति ले लो, और जीवन शांति भी सूट नहीं करता है तो यहाँ पर आपके पास दूसरा प्लान अवेलेबल है प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना के अंदर बस रुपए कमीशन आएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने 62 का एज डाला, ये प्रधानमंत्री योजना है। प्रधानमंत्री योजना आपको पता है कि मैं बताऊं? पता है सर। आपको पता है? पता है तो ठीक है, फिर क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। और जीवन निवेश प्लस आप जानते हैं कि मैं बताऊं? ये भी आपको पता है। अच्छा, ये आज इसके अंदर एक नई चीज नजर आ रही है। कल हमने ये वाला जो पैनल जो हमने लीडर का खोल के देखा था, कल और आज में कुछ नया नजर आ रहा है। आप से कौन बता सकते हैं कि क्या नया नजर आ रहा है इसमें? कुछ नयापन है। कल जो हमने देखा था और आज जो हम देख रहे हैं इसके अंदर कुछ नयापन है। क्या नयापन है, कौन बताएंगे? किसी ने नोटिस किया या नहीं किया या अकेले मैंने? हाँ, क्या नयापन है, कोई भी बता सकते हैं। अजय आप बता सकते हैं, दिनेश जी आप बता सकते हैं, मंजू आप बता सकते हैं, यादव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, तो जो भी जिसको भी कोई भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या नयापन आपको नजर आ रहा है इसके अंदर? कुछ इसके अंदर नया नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ तो नया है, आप यहाँ पर देखिए, कुछ तो नया है। नहीं,
बता सक नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं ना, मैं बताता हूँ आपको। सबसे नीचे यूनिट लिंक प्लान के अंदर कुछ नया है जो कि कल नहीं था, जो कि आज नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक अपडेट ऑन कर रखा है। तो जब भी नया अपडेट कंपनी बनाती है तो मेरे पास ऑटोमेटिक इसका अपडेट आ जाता है नया। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या चीज इसके अंदर नजर आ रहा है। कल यूनिट लिंक के यहाँ पर दो प्लान नजर आ रहे थे, आज यूनिट लिंक के यहाँ पर तीन प्लान नजर आ रहे हैं। ये आज नया नजर आ रहा है। निवेश प्लस हमने कल बातचीत कर लिया था, SIIP हमने बात नहीं किया था, एंडोमेंट प्लस हमने बात नहीं किया था। तो क्या SIIP या एंडोमेंट प्लस के बारे में आप जानना चाहेंगे, क्या हम उसके बारे में आज बात करें, या तो कोई और टॉपिक जो हमारा एजेंडा था उसके हिसाब से चलें? क्या बात है, शांति कैसे हो गई? अभी आप SIIP कवर करना चाहते हैं या एंडोमेंट प्लस करना चाहते हैं, या तो फिर हमारा जो एजेंडा था उसके हिसाब से चलें कि क्या क्या हमारा आज का हमारा डिस्कशन मीटिंग के अंदर हमें करना था, या तो हम उसके हिसाब से चलें? आप क्या चाहते हैं? आप अपना माइक ऑन करेंगे तो बोल पाएंगे, ऐसे नहीं बोल पाएंगे जी। अग्रवाल साहब आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? निवेश प्लस हमने कल कवर किया था, मुझे लगता है आप कल नहीं थे। आप यदि उसके अंदर ओपन करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा से आपने बताया निवेश प्लस नया प्लान है। हाँ, नहीं इसके अंदर जो लीडर जो है, हाँ इसने नया दे रखा है। तो एज 0 से लेकर 70 से कौन सी एज लेकर चलिए बताइए, मैं आपकी एज पर लेकर चलूं? आप लीजिए एज 50 साल, आईडी लीजिए 50 साल, 50 का एज मैंने ले लिया। यहाँ पर लिखा है दो तरह की ऑप्शन है, 1.25 गुना इसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम अवेलेबल है 50 साल की उम्र में। यहाँ पर इसके अंदर मिनिमम प्रीमियम है 1 लाख। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट मैं बताऊँ आपको, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट डालें? 10 लाख में नजर आ 10 लाख का। यहाँ पर हमने इसको चेंज किया, इसको 10 लाख किया। कम से कम 10 साल का प्लान है, ज्यादा से ज्यादा 25 साल का है। आप कितने साल का लेना चाहेंगे? 25 का फिलहाल लेकर चलता हूँ, बाकी इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। हाँ जी, समझ नहीं आया क्या चीज आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आपकी आवाज नहीं मेरे को आई है क्लियरली, दोबारा से बताइए। मैंने हाँ जी, आप कुछ अभी कहना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे अभी आप? हाँ जी, कोई और की आवाज होगी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने इसमें 25 साल का टर्म इसके अंदर डाल लिया है। 25 साल का टर्म क्यों डाला है, क्योंकि किसी भी प्लान में ये जो कस्टमर को पसंद है। यहाँ पर इसके अंदर अगला कॉलम इसमें लिखा है इनिशियल नेट एसेट वैल्यू। अब इनिशियल नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? इनिशियल नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर अभी फिलहाल इसका भाव कितना है। तो इसका भाव कितना है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने गूगल ओपन किया। यहाँ पर हमने गूगल ओपन किया, गूगल में हमने लिखा कि भाई हमें इसका भाव बताओ। हमने गूगल को पूछा कि हमें निवेश प्लस का एनएवी बताओ। तो जैसे ही हमने गूगल को पूछा निवेश प्लस का एनएवी हमको बताओ, तो गूगल ने हमको लिख के दिया LIC India.in प्लान एनएवी बीमा प्लस। तो हमने इसको खोल लिया, खोलने के बाद हमको ये मिला, क्या मिला, निवेश प्लस का एनएवी। निवेश प्लस का एनएवी कितना लिखा यहाँ पर, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड, डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड, ग्रोथ फंड, सिक्योर्ड फंड, ऐसा करके अलग अलग का लिखा है। आज की डेट में अलग अलग फंड का अलग अलग भाव है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ग्रोथ फंड उठाते हैं, 14.2642 इसका रेट है, तो हम इसके अंदर से उठा लेते हैं इसको 14.2642। तो हम इसके हिसाब से उठाते हैं और उठा के हम इसको कर लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट 14, जो हमारा दोबारा से जो इलस्ट्रेशन जो हमारा था, उस इलस्ट्रेशन को हम दोबारा से खोलते हैं और उस इलस्ट्रेशन के हिसाब से हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा इलस्ट्रेशन जो था, कहाँ चला गया हमारा इलस्ट्रेशन, ये रहा हमारा इलस्ट्रेशन। तो इसको हम खोलते हैं, 14.2642 का भाव आज का है इसका, हमने इसको खोला और ओके ये हमारा दोबारा से एक बार इलस्ट्रेशन
यहाँ पर आ गया और यहाँ पे एनएवी डाल लिया है भाव 14.2642, ये हमने इसका रेट डाला। अगला कॉलम है इसके अंदर ग्रोथ एनएवी, हमको क्या लगता है कितने प्रतिशत के हिसाब से इस प्लान का ग्रोथ होने वाला है? नहीं ये तो कुछ और हो गया ना, 14 पॉइंट करना था ना, ये पॉइंट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा पॉइंट इसके अंदर दे ही नहीं रखा, ओके 1426 आ रहा है, तो 1426 हमको नहीं डालना है। इसके पास यदि पैसे का फैसिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पैसा नहीं डाल रहे हैं, हम पूरा रुपया डाल लेते हैं, हम 14 रुपये का रेट डाल लेते हैं। ग्रोथ एनएवी, किस भाव से इसका निवेश प्लस बढ़ेगा? अब इसके अंदर ना ये वाला जो लीडर है, लीडर का ये वाला जो फॉर्म है, इस वाले फॉर्म के अंदर ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि जी आप ही बताओ किस रेट से आप इस पैसे को बढ़ाना चाहते हो। अब भाई हमको क्या पता किस रेट से ये पैसा बढ़ेगा, ये तो जब बढ़ेगा तभी पता लगेगा, लेकिन कस्टमर को कुछ ना कुछ आइडिया तो देना पड़ेगा ना, कस्टमर को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि भाई साहब इसका कितना, कस्टमर पूछता है भाई साहब ये बताओ कि कितना बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ कस्टमर को बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न डाल देंगे। तो कितने रिटर्न डालें, कितने परसेंट के रिटर्न डालें, आप क्या बोलते हो कितने प्रतिशत के रिटर्न हमको डालने चाहिए? हम परसेंटेज वगैरह कुछ ऐसा डिसीजन कर लें, कितना हमें रिटर्न डालनी चाहिए, कितना प्रतिशत के रिटर्न हमको लेनी चाहिए? 9% की डाल लेते हैं, 9% डाल लेते हैं, 9% डाल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 9% की रिटर्न डाल ली, इस 8 को हटा के हमने 9 कर लिया, 9 को जैसे ही हमने इसको चेंज किया, यहाँ पर हमने सबमिट किया, सबमिट करते ही यहाँ पर इसका पूरा का पूरा चार्ट बन के आ चुका है। यहाँ पर ये जो चार्ट बनकर आया है, इस वाले चार्ट के अंदर ये लिखा है कि हमने यहाँ पर इसमें 14 रुपए के हिसाब से आगे बढ़े, 14 रुपए के हिसाब से हमने आगे बढ़ा, 50 की उम्र में हमने 10 लाख रुपया डाला, 12.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया, 12.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होने के बाद इसके अंदर आपका 14 रुपए का एनएवी यहाँ पे डाला हुआ है, नेट एसेट वैल्यू 14 रुपए के हिसाब से हमने किया है, और उसके बाद आपका पहले 5 साल के अंदर लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड मतलब फिक्स है आपका अमाउंट, तो 5 साल के अंदर विड्रॉल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद क्या होगा, अगले साल में इसका दोबारा तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो जब 0 लिखा हुआ आ रहा है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपका पैसे का ग्रोथ हो रहा है, आप ये देखिए आपका इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ता चला जा रहा है, पहले साल में 12.5 लाख है, उसके बाद लगातार 12.5 से बढ़ के फिर 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, ये सब बढ़ रहा है। नेट असेट वैल्यू का भी ग्रोथ हो रहा है, 14 रुपए से बढ़ के 15, 16, 20, 22, 25, वो सब बढ़ रहा है। गारंटीड रिटर्न इसके अंदर एक फैसिलिटी है जो कि और कहीं नहीं है, तो गारंटीड रिटर्न के अंदर जो फैसिलिटी है उससे आपको क्या फायदा होता है, कस्टमर को इतने रुपए का गारंटीड यूनिट्स उसके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाती है। हमारे पास मुझे लगता है आखिरी के 5 मिनट शायद अवेलेबल हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करने का। अभी तक मैंने आपको जो बताया उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा सर, हो रहा है, बढ़िया। सो इसको और अच्छे तरीके से समझने की जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका गारंटेड एडिशन बीच बीच में लगेगा, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ये सब बीच में लगता रहेगा। आप इस पॉलिसी में हमेशा लंबा टर्म लेके चलिए, भले ही इसमें 10 साल का अवेलेबल है लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा जैसे 25 साल है 25 साल का आप बना के चलिए, कस्टमर को दिखा के चलिए, और कस्टमर को आप ये बताइए सर 5 साल में जब भी चाहो निकाल लो। यहाँ पर इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 5 साल में यदि पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर लिखा है 14,37,957 रुपए आपको मिल रहे हैं, आपने 10 लाख लगाए थे, 14 लाख मिल रहे हैं। अच्छे रिटर्न है या खराब रिटर्न है? अच्छी है सर, कर लो 10 लाख रुपए, बोलो कस्टमर को जिनको भी आप समझा रहे हो, कहना सर पैसा ये ट्रांसफर करो। अच्छा उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे 15 लाख 17 लाख 18 लाख, आप ये देखो 25 साल तक यदि आपने इसको चला लिया 64 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, 10 लाख आपने लगाए थे, सबसे नीचे क्या लिखा है टोटल प्रीमियम 10 लाख, टोटल रिटर्न 64 लाख, ठीक है, बढ़िया है, यस नो, ओके सर, यस जी। और क्या आप जानना चाहते हैं इस प्लान के बारे में, और कुछ आपकी जानने की इच्छा है इस प्लान के बारे में, या तो पूरा का पूरा समझ में आ गया? अच्छे तरीके से बता पाएंगे आगे आप जिसको भी जाएंगे लोगों को अच्छे से बता पाएंगे कि ये 5 साल की एफडी जो होती है वो क्या होती है? और कोई साथी क्या बात है इस प्लान को जानना नहीं चाह रहे हैं, या तो सिर्फ ऑन करके छोड़ा है, या तो आधा इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा क्या समझ में बताएंगे कैसे? आप आगे किसी को भी बताने जाएंगे तो किस तरीके से बता पाएंगे? दस लाख रुपए लगाए हैं हमने सिंगल टाइम, आप इसमें 10 लाख की जगह 1 लाख भी लगा सकते हैं, 1 लाख से शुरुआत है, बाकी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो भी चाहें आप लगा सकते हैं,
कोई लिमिट नहीं है इस प्लान बताइए आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके अंदर सेम चार्ट जो मैंने अभी आपको छोटे में दिखाया था, अभी मैंने आपको स्टैंडिंग में दिखाया था जब फोन खड़ा करके दिखाया था, अभी फोन को लिटा के मैं आपको बड़ी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो आपको फुल स्क्रीन में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर और ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कितना कितना बढ़ेगा, कितना कितना आएगा, इसके अंदर सब कुछ बता रखा है। ये पूरा पूरा रिटर्न इसके अंदर बता रखा है, 10 लाख रुपए लगाए 64 लाख रुपए आ गए, ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन इसके अंदर बता रखा है। और सेम इलस्ट्रेशन ये मैंने आपको, ये इसका ओरिजिनल फाइल है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी भेज रहा हूँ। इस प्लान के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं? सभी लोग अपना 1 लाख रुपए का कर सकते हैं कम से कम, एफडी आप कर सकते हैं, निकालने को आप भले ही निकाल लीजिएगा, 5 साल में निकाल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आप निकाल सकते हैं, 5 साल के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो सभी साथी क्या मैं मानूं कि इस वाले प्लान के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट डाल सकते हैं, पॉसिबल है? सर कोशिश करेंगे पूरी, पूरी कोशिश, इसमें कोशिश क्या करनी है, 1 लाख रुपए अभी ट्रांसफर कर दो, कोशिश क्या करनी है, अभी आप खोलो, अभी आप अपना वो बैंक अकाउंट से अभी के अभी ट्रांसफर कर दो ना, इसमें कोशिश क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है, कोशिश एक्चुअली ट्रांसफर करने है, कोशिश करने से थोड़ी ट्रांसफर होगा, कर डालने हैं जी। सो आज हमने डिटेल में अलग अलग प्लान्स को समझने का कोशिश किया, हमने जीवन अक्षय के 3 ऑप्शन समझने का कोशिश किया, हमने ऑप्शन ए समझने का कोशिश किया जिसके अंदर लाइफ टाइम पेंशन आती है, हमने ऑप्शन एफ समझने का कोशिश किया जिसके अंदर लाइफ टाइम पेंशन भी आती है, 100 साल की उम्र तक की गारंटेड पेंशन भी है, प्लस साथ में उसमें एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है कि जो भी आपने पैसा लगाया था ओरिजिनली वो पूरा का पूरा आपके नॉमिनी को रिफंड हो जाता है। हमने ऑप्शन जे को भी समझने का कोशिश किया कि जिसके अंदर 2 लोगों को पेंशन आती है, आपको आती है साथ में जॉइंट एप्लीकेंट को आती है, पेंशन आती है जिंदगी भर पेंशन आती है, पेंशन आने के अलावा उसके अंदर जो तीसरा एक और फैसिलिटी उसके अंदर जो तीसरा जो जिसको भी पेंशन आप जिसको भी आप इन्वेस्टेड अमाउंट जो कैपिटल अमाउंट है जो आप देना चाह रहे हैं तो ये वाला फैसिलिटी जो अवेलेबल है, बच्चों को आप 37 लाख रुपए छोड़ के जा सकते हैं, ये उसके अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमने जानने की कोशिश करी अलग अलग चीजें, हमने निवेश प्लस के बारे में जानने का कोशिश किया, तो क्या निवेश प्लस के बारे में या तो इन 4 चीजों के बारे में जो हमने बातचीत करी अच्छे तरीके से आप जान पाए, समझ पाए, कर पाएंगे इन सभी प्लान्स को आप अच्छी तरीके से सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी सर कर पाएंगे, बढ़िया। सो आखिर के 4 दिन बचे हैं, 27 तारीख हो चुका है, 28, 29, 30, 31, आज फोर्थ सैटरडे है, ऑफिस क्लोज है, फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करें, इन दिनों हर कोई बीमा कराने को तैयार होता है, क्लब मेंबर जरूर बने, ब्रांच मैनेजर क्लब में कम से कम 15 लाइफ, डिवीजन मैनेजर क्लब में कम से कम 20 लाइफ, जोनल मैनेजर क्लब में कम से कम 30 लाइफ, चेयरमैन क्लब में कम से कम 40 लाइफ चाहिए, अपना क्लब मेंबरशिप का लाइफ पूरा कर लीजिए, उसमें एक्स्ट्रा ढेर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कार आपको मिल जाती है एलआईसी से, घर आपको मिल जाता है, टू व्हीलर आपको मिल जाता है, फेस्टिवल एडवांस मिल जाता है, पर्सनल ऑफिस आप बना सकते हैं, उसका उसका ऑफिस अलाउंस आपको मिलता है, फर्नीचर का खर्चा आपको मिलता है, आपको फ्री एयर ट्रैवल मिलता है, बहुत सारे ढेर सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो क्लब मेंबर बनने पर आपको मिल जाती है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रही है, साल खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 31 तारीख खत्म होने के बाद भी, जैसे 31 तारीख खत्म होगी आज पूरे दिन का इस्तेमाल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्टेक्ट करिए, कम से कम निवेश प्लस जीवन अक्षय कोई भी प्लान आपसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई भी सेल करिए लेकिन सेल करिए। ATC में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट अवेलेबल है, सभी लोगों को दीजिए, ATD हेल्थ इंश्योरेंस का है वो भी सभी लोगों को दीजिए, 50 लाख रुपए का टैक्स रिबेट है, जिन जिन लोगों ने नहीं लिया है सबसे बात करिए, बात करेंगे तो पता लगेगा कि किसने लिया है और किसने नहीं लिया है। सिर्फ 2 पॉलिसी पे मिल्टन का बॉटल आपको मिल रहा है, ओनली 2 पॉलिसीज, 2 पॉलिसीज पे मिल्टन का बॉटल आपको मिल रहा है, ये मिल्टन के बॉटल वाली स्कीम अभी आई हुई है और ये वाली स्कीम है फाइनल धमाका, 30 मार्च के लिए ये वाली स्कीम आई हुई है, इसका फायदा ले लीजिए, आप कम से कम ये वाला चीज क्वालिफाई होना चाहिए। आखिरी के 2 सेकंड रह गए हैं तो आखिरी के 2 सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे फाइनल धमाका के साथ, सुबह 9 बजे संडे का हमारा मीटिंग रहेगा, संडे का मेरे ख्याल से 9 बजे का ही टाइम है, तो ये फाइनल धमाका है कंपटीशन फॉर एजेंट सेट ऑफ 6 मिल्टन वाटर बॉटल्स, तो ये 6 मिल्टन वाटर बॉटल्स इसको क्वालिफाई कर लीजिए। 5 पॉलिसीज करते हैं तो आपको 3